फतेहपुर में एक किसान के बेटे ने 222 किलो का गेहूं का सिक्का बनाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि 5 फीट ऊंचाई वाले इस सिक्के को 2 कुंटल 11 किलो गेहूं के दानों से बनाया गया है और इसको बनाने में करीब 1.5 महीना लगा है, जिसको देखने के लिए आसपास के गांव के लोगों का तांता लग गया है। वहीं इसको बनाने वाला एक साधारण किसान परिवार का युवक है, जिसका कहना है कि 1 रुपए के सिक्के में गेहूं की बालियों को देखकर ही उसे गेहूं के दानों से सिक्का बनाने की प्रेरणा मिली। सोच तो सर ये हुआ कि मेरे दिमाग में एक बार वो सिक्का देख रहा था 1 रुपए का, तो मैंने सिक्के गौर देखो ये देखा कि आखिर इसमें गेहूं की बाली क्यों बनी है। ये कुछ कह रहा है, ये कुछ संदेश देना चाहता है। उसी संदेश को मैंने अपने कला के माध्यम से दिखाया। इसमें कितना गेहूं खर्च हुआ होगा? इसमें 2 कुंटल 11 किलो गेहूं लगा। कितना समय लगा होगा? समय लमसम 1.5 महीना मुझे बनाने में। किस किस चीजों से इसको आपने बनाया? इसको गेहूं के दाने प्लस ग्रेनाइट केमिकल का मैंने प्रयोग किया। वहीं गांव की युवा पीढ़ी भी युवक के इस काम की प्रशंसा करते हुए गेहूं से तैयार इस 1 रुपए के सिक्के को गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने की मांग कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव।